जो जल है इसका जो कलर देख रहे हैं एकदम पीला है, पीला जल है, बाबा श्याम का जल है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं गंगा जल है, तो देखिए गंगा जल नहीं है, ये बाबा श्याम का जल है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा श्याम के जल के बारे में। बाबा श्याम के जो जल है उसके चमत्कारिक प्रभाव कितने अधिक होते हैं उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। श्याम भक्तों जब बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हैं, बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं, बाबा श्याम से अर्जी और अरदास भी लगाते हैं, परंतु क्या पता है आपको कि जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, उन्हें प्रसाद वगैरह आप जब चढ़ाते हैं, दिखाते हैं, तो उनके साथ साथ आपको बाबा श्याम का जो जल होता है वो जल भी अपने साथ लेकर आना चाहिए खाटू धाम से। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो श्याम कुंड में जाते हैं और वहाँ जाकर थोड़े से जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, क्योंकि श्याम कुंड के अंदर इतना अत्यधिक पानी नहीं है कि जितना पानी रहता है उसमें भी लोग थोड़ा बहुत स्नान कर लेते हैं और वहीं से जल भी लेकर जाते हैं। तो श्याम कुंड का अगर आप जल लेकर जाना चाहते हैं तो श्याम कुंड का जल को आपको पीना नहीं है। श्याम कुंड का जो जल है वो अपने घर ला सकते हैं आप, परंतु घर में जैसे पूजा पाठ हमने कर लिया उसके बाद उस जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं। इस काम के लिए श्याम कुंड का जल का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु जो श्याम कुंड का जो जल है इसके अलावा भी एक जल होता है जो कि श्याम बाबा का जल है। श्याम बाबा का जो ये जल है अमृत समान जल है, क्योंकि ये जो जल है जब बाबा श्याम का जब स्नान किया जाता है अमावस्या के दिन, उस दिन जब स्नान होता है उनका, तो स्नान होने के बाद ये जल प्राप्त होता है। तो इस जल को पाने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है, हर कोई चाहता है बाबा श्याम का जल एक बार उन्हें भी मिल जाए। परंतु देखिए इतना अत्यधिक जल नहीं होता कि सभी को मिल पाए, परंतु फिर भी वहां पर पुजारियों के पास ये जल आपको मिल जाते हैं। तो बाबा श्याम का जो जल है बहुत ही पवित्र और आस्था से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ एक जल है जो लोग वहां से लेकर जाते हैं और उस जल का प्रयोग करते हैं। तो श्याम भक्तों अगर आप खाटू धाम जाते हो और बाबा श्याम के दरबार जाते हो तो आप अपने साथ एक खाली कैन जरूर लेके जाना, क्योंकि खाली कैन अगर आपके पास रहेगा तभी तो आप जल भर के लाओगे। जिस प्रकार से हम गंगा नदी में जाते हैं और गंगा नदी में जाकर वहां से एक कैन खरीदते हैं, उसके बाद गंगा जल भर कर अपने घर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम गंगा जल का पूजा पाठ करते हैं, उसमें यूज करते हैं गंगा जल का। जब हम नहाने जाते हैं तो नहाने के समय में अगर आप एक बाल्टीन पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दोगे तो उसमें उसी समान फल मिलता है जिस प्रकार से हम गंगा नदी में नहाने का फल प्राप्त होता है। तो गंगा का इतनी महिमा है, गंगा के जल का इतना महिमा है, आपको बता दूं जैसे गंगा दशहरा आ रहा है, गंगा दशहरा पे बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फेस्टिवल होते हैं जिसमें गंगा स्नान करते हैं। तो यदि अगर आपको ऐसा लगे कि आप गंगा स्नान नहीं कर पाए तो गंगा जल ही आप लेकर एक ढक्कन लेकर बाल्टीन में डाल देंगे तो आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। परंतु गंगा जी में स्नान करना अपने आप में एक अलग बात होती है, एक अलग मजा होता है जब हम गंगा नदी में स्नान करते हैं। तो आपको मैं बता दूं श्याम भक्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा श्याम के जल के बारे में। देखिए जिस प्रकार से गंगा जल खराब नहीं होता उसी प्रकार से बाबा श्याम का जो जल आप लेकर आते हैं खाटू धाम से वो भी खराब नहीं होता। तो उस जल को आप लेके आ सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत लगे या प्रॉब्लम लगे तो उस जल को बाबा का नाम लेकर, बाबा का मंत्र स्मरण करके उस जल को आप ले सकते हैं। तो उस जल का काफी महत्व है। तो वो जल कैसा होता है, किस तरह का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अमृत समान जो जल है हर कोई इसे लेना चाहता है, पाना चाहता है। तो ये आपको बाबा श्याम के दरबार यानी कि खाटू धाम से मिलेगा। खाटू धाम में कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लेना चाहिए आपको इस जल को, ये भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस जल को। तो ये देखिए ये मेरे पास जल है, बाबा श्याम का जो जल है। अभी ये जो जल है काफी समय से मेरे पास है, परंतु इस जल को जब मुझे जरूरत होती है या किसी को देना होता है तो मैं इसमें से थोड़ा सा दे देता हूँ या खुद भी ले लेता हूँ।
जो जल है इसका जो कलर देख रहे हैं एकदम पीला है, पीला जल है, बाबा श्याम का जल है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं गंगा जल है, तो देखिए गंगा जल नहीं है, ये बाबा श्याम का जल है। गंगा जल के समान ही जल है बाबा श्याम का। बाबा श्याम का जब स्नान किया जाता है तो स्नान करने के बाद इस जल को इकट्ठा करके रख लिया जाता है, और ये जो जल है अपने आप में बहुत अत्यधिक पवित्र जल है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कितना पवित्र दिख रहा है, ये एकदम पीला पीला, मैंने भी पीला टी शर्ट पहना हुआ है और यहाँ पे जल भी पीला है। तो इस तरह से बाबा श्याम का जो ये जल अगर आपको मिल जाए तो आप नसीब वाले हैं। अब आपको बता दूं बाबा श्याम का ये जो जल है आप कैसे वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो श्याम भक्त, सबसे पहले तो आपके पास खाली कैन होना चाहिए, इस तरह का जो मैंने अभी आपको दिखाया है। कैन नहीं होगा तो आप जल कहाँ से लोगे? आप गए और पुजारी जी से बोले कि हमें बाबा का जल चाहिए, तो जल आप किस में स्टोर करोगे? तो इसके लिए आप खाटू धाम में ही बहुत सारे दुकानें हैं, अगर आपके पास कैन नहीं है तो वहीं से सबसे पहले कैन ले लीजिए। उसके बाद जो है आप पुजारी जी महाराज जो है बैठते हैं वहाँ पर खाटू धाम में, जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हो तो बाबा श्याम के दर्शन करके तो आप लाइन से बाहर आ जाओगे, तो वहाँ तो आपको कोई जल वगैरह की सुविधा नहीं है देने के लिए। परंतु जब आप दर्शन करके बाहर आ जाते हो तो बाहर में आप जब श्याम कुंड वगैरह जाते हो तो वहाँ पर पुजारी वगैरह मिलेंगे आपको, या जब आप बालाजी महाराज के दर्शन करते हो सिंह द्वार से, जब आप 13 सीढ़ियों से चलकर बाबा श्याम के दर्शन करते हो, दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की तरफ आते हो तो बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ भी पुजारी वगैरह बैठते हैं, तो उनके पास भी बाबा का जल होता है इस तरह से। तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, अगर उनके पास बाबा का ये जल होगा तो वो लोग भी आपको ये जल दे देते हैं। देखिए ये जो जल होता है ये निःशुल्क होता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और सब कुछ निर्भर करता है वहाँ पर बैठे पुजारी के ऊपर कि वो आपसे शुल्क लेगा या नहीं लेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर वो कोई शुल्क बोलते हैं पुजारी जी महाराज या कुछ बोलते हैं, तो एक बाबा की इच्छा समझ के अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप देना चाहे पुजारी जी महाराज से आग्रह करके, उन्हें विनती करके जल आप ले सकते हैं, और उन्हें बदले में आप दक्षिणा दे सकते हैं। ये आपकी आस्था पे निर्भर है। अगर आपको बाबा श्याम का इस जल की जरूरत है और वहाँ आपको लग रहा है कि जल नहीं मिल रहा, तो आप इस तरह से वहाँ से जल ले सकते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और वहाँ पर भी अगर मान लीजिए जल आपको नहीं मिला, तो श्याम कुंड में पुजारी वगैरह बैठते हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं, अगर उनके पास जल होगा तो आपको ये जल वहाँ से भी मिल जाएगा। तो देखिए बाबा श्याम का जो ये जल है, आप जरूरी नहीं है खाटू धाम जाकर ही ले, अगर आपके आसपास में जो बाबा श्याम का मंदिर है, श्याम मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पर आप पुजारी जी से बात कर सकते हैं, उनके पास भी आपको ये जल मिल जाएगा। तो बाबा श्याम जहाँ भी विराजते हैं, कहीं भी विराजते हैं, वहाँ पर जाके आप इस जल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखें, ये जो जल होता है, अमावस्या जो तिथि आती है तब बाबा श्याम का स्नान होता है, तो स्नान होने के एक दो दिन बाद आपको ये जल आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि तब अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद इस जल को वितरित किया जाता है बाबा श्याम के मंदिर से, और जो आपके घर के आसपास के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर आप पुजारी जी से बात करके इस जल को ले सकते हैं। तो जल होता है अपनी आस्था का प्रतीक है। बाबा श्याम स्नान किए हैं इस जल से, तो हम ये मानते हैं कि बाबा श्याम का ये जल बहुत ही अत्यधिक पवित्र है। हम अपने विश्वास के साथ इसको ग्रहण करते हैं। जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिव मानकर इसको ग्रहण करते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है। तो ये एक आस्था का विषय है। अगर आप इसको नॉर्मल जल सोच के पिएंगे तो कोई असर नहीं करेगा, परंतु एक विश्वास के साथ रखेंगे तो इसका असर भी उसी तरह से होगा जिस प्रकार से बाबा श्याम के चमत्कार होते हैं। बाबा श्याम का जो जल है आप खाटू धाम से ला सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अब मैं आपको बता दूं कि बाबा श्याम की इस जल को पीना कैसे है। जैसे मान लीजिए आप इस जल को लेकर आते हैं, तो इस जल को लाने के बाद आपको पीना कैसे है? देखिए, अब ये जो जल है मेरे पास जो है काफ़ी समय से रखा हुआ है, और जब मुझे ज़रूरत होता है तब मैं इस जल को इस्तेमाल करता हूँ, अपने परिवार को इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इस जल को पीने का एक ही तरीका है, आप इस जल को एक ढक्कन से थोड़ा सा ले सकते हैं या एक चम्मच के माध्यम से पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास में भर के पूरा पी लिए पानी की तरह, इस तरह से नहीं पीना है आपको। नॉर्मली जिस प्रकार से हम दवा लेते हैं उसी प्रकार से इस जल को ग्रहण करना होता है।
और जिसको ज़्यादा अत्यधिक ज़रूरत हो इस जल को उसी को लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा दारू जो है अगर कोई बीमार है तो उसको दवा बंद करके आप ये जल ही पिलाते रहेंगे। तो जल तो अपनी आस्था का केंद्र है, दवा ज़रूरी होता है, डॉक्टर की मेडिसिन भी ज़रूरी होती है साथ में। उसके बाद बाबा श्याम का नाम लेकर ये जल को आप दे सकते हैं उसे, और बाबा श्याम की इच्छा रही तो सब कुछ सही होता है, बाबा श्याम की इच्छा रही तो चमत्कार भी होते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि जल आपको कहाँ से लेना चाहिए और इस जल का क्या महत्व है, ये मैं सब चीज़ आपको बता दी है। बाकी बाबा श्याम की इच्छा है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा श्याम की इसी प्रकार से आप सभी पर कृपा बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।